हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप से हम कैसे मैसेज सेंड कर सकते हैं जब हम सेल्स बनाते हैं, या तो हम जब हम परचेज का एंट्री करते हैं, या तो जब हम रिसिप्ट का एंट्री करते हैं, तब हम कैसे व्हाट्सएप से मैसेज हम कर सकते हैं अपने कस्टमर को या तो सप्लायर को। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी सेल्स के लिए, लेकिन वो ERP9 के लिए थी जो टेलीप्राइम में वर्क नहीं करती थी प्रॉपरली, ठीक है। तो वो कुछ ही लोगों के लिए काम की थी, बाकी लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे टेलीप्राइम के लिए। देन मैंने एक और वीडियो बनाया था रिसिप्ट के लिए, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था पेमेंट के लिए, ठीक है। तब मैंने बताया था कि हम चारों टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए ये व्हाट्सएप के लिए TDL बनाएंगे, जहाँ पे आप सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट चारों ट्रांजेक्शन में कर पाए, ठीक है। तो अलग अलग अभी तक TDL थी, इस बार मैंने चारों TDL को, मतलब चारों फंक्शन को मिला के सिर्फ एक TDL बनाई है, ठीक है। और वो ही TDL आप चारों ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आप सेल्स के टाइम पे सेल्स की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, परचेज के टाइम पे परचेज की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेम वे आप रिसिप्ट और पेमेंट के टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पुरानी वीडियोस में बहुत लोगों की चैट आई थी, बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि सेल्स के PDF जो है वो PDF सेंड हो जाए, वैसा कोई कस्टमाइजेशन करके दो। तो मैं उन सबको बता दूँ कि ऑफकोर्स हम वैसा भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हम श्योर वो करेंगे, श्योर ऐसा कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिए, तो हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे ही वो वीडियो भी जब आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कस्टमाइजेशन हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए ये कस्टमाइजेशन लेने के लिए आपको सिंपली आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो। नंबर टू, आपको आपका जो मेल आईडी है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप मेल आईडी कमेंट करेंगे विद इन अ डे, आपको कस्टमाइजेशन फाइल है वो आपको मेल में मिल जाएगा सर, एवरीवन, ठीक है। एक दिन आप वेट कर लीजिएगा मेल आईडी कमेंट करने के बाद, एक दिन में आपको मेल आईडी पे, उस मेल आईडी पे आपको कस्टमाइजेशन मेल मिल जाएगा ये फाइल, ठीक है। एक बार आपको फाइल मिलने के बाद आपको कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे फोल्डर पे आप, यहाँ पे आपको दिख रही है whatsapp.txt, ठीक है। उस फाइल को आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रेस करना है backslash, एंड देन यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना है, और फाइल का पूरा पाथ जो है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, एक्सटेंशन एंड फाइल नाम के साथ, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम और एक्सटेंशन भी होना चाहिए, एंड देन यहाँ से आपको कॉपी करना है, ओके। कॉपी करने के बाद आना है आपको टैली में, टैली में यहाँ पे आपको जाना है हेल्प में, और हेल्प में यहाँ पे नीचे TDL एंड एडोन्स है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है मैनेज लोकल TDL पे। मैनेज लोकल TDL पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड सिलेक्टेड TDL का ऑप्शन यहाँ पे आपको यस मिलेगा, उसको यस ही रखना है, एंड देन यहाँ पे जस्ट एंटर करेंगे। तो फाइल नेम में आप यहाँ पे वो फाइल चूज भी कर सकते हैं, अगर चूज नहीं करना है तो जो आपने कॉपी किया है वो उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चूज भी कर सकते हैं आप डायरेक्टरी में जाके, अगर नहीं करना है तो जो आपने कॉपी किया है सिंपली उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, वो एकदम ईजी है। और यहाँ पे लोड TDL में यस कर दो एंड एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन में आप जाएंगे, लेट्स से कि मैं वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको व्हाट्सएप का एक बटन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही परचेज में अगर आप जाओगे तो परचेज में भी यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आपको दिखेगा, वैसे ही रिसिप्ट में भी आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है, एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट में भी यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है, ठीक है। अभी चलिए दोस्तों, ये वर्क कैसे करता है वो भी आपको देख लेते हैं। सिंपली मैंने ऑलरेडी ये कुछ ट्रांजेक्शन्स क्लियर करके हुए रखे हुए करके रखे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लाइव ही देखते हैं कि ट्रांजेक्शन ओपन करने के बाद वो कैसे व्हाट्सअप होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन मैंने ओपन कर दिया है,
यहाँ पे एक पेमेंट का ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हमें पेमेंट मिला है कैश में राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। अभी 18,000 का पेमेंट मिला है और डेट है 19 जुलाई 2021। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे हमें कल पेमेंट मिला हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे राजेश इलेक्ट्रॉनिक करके है, ठीक है। ये जो कस्टमर है राजेश इलेक्ट्रॉनिक, उसके जो हम पार्टी लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे उसके जो मोबाइल नंबर में जो उसका मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो डाला होना चाहिए, तभी तो दोस्तों व्हाट्सअप जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपने मोबाइल नंबर उनका डाला हुआ है। कंट्री कोड नहीं डालोगे तो भी चलेगा, उनका जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे एज अ मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड सिंपली देन आपको एंट्री करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको व्हाट्सअप पे क्लिक कर देना है। जैसे व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पहले से व्हाट्सअप कॉन्फ़िगर करके रखना है, क्यूआर कोड स्कैन करके रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्हाट्सअप पे। जैसे अभी मैंने क्लिक किया पेमेंट पे, देखिए ये व्हाट्सअप ओपन हो गया, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा एंड जो भी चैट है वो चैट भी ओपन हो जाएगा और इसमें आपका मैसेज ऑलरेडी टाइप होकर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली आ गया कि डियर राजेश इलेक्ट्रॉनिक, जो पेमेंट नंबर सो एंड सो, ठीक है, जो भी पेमेंट नंबर है सो एंड सो, अमाउंट सो एंड सो, जो भी अमाउंट हमें आपको हमें हम उनको पेमेंट कर रहे हैं ना, और डेट, ठीक है, डेट यहाँ पे आ जाएगी। हैज़ बिन डेबिटेड इन योर अकाउंट, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, इतना अमाउंट आपका डेबिट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे ऐसे सिंपली एक इमोजी वगैरह भी आपको अगर सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं कोड में। एंड देन रिगार्ड्स, हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, जो हमारी कंपनी का नाम है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी कंपनी का नाम है कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, वो कंपनी का नीचे ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। सेम वे आप दूसरे जो ट्रांजेक्शन है उसका भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे रिसिप्ट ओपन कर लेता हूँ। रिसिप्ट में आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम डेट की रिसिप्ट है, 1000 की रिसिप्ट है। कस्टमर भी सेम ही है, तो मैंने राजेश इलेक्ट्रॉनिक की सिलेक्ट करके रखा हुआ है एंड मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली आपका व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा फटाक करके, और वो जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएंगे सिंपली के डियर राजेश इलेक्ट्रॉनिक योर रिसिप्ट नंबर, पहले में पेमेंट नंबर था, अभी यहाँ पे रिसिप्ट नंबर आ गया। देखिए आप पहले देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नंबर सो एंड सो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिसिप्ट नंबर सो एंड सो, अमाउंट सो एंड सो, डेट सो एंड सो, हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, पहले था वो डेबिटेड हुआ था, अभी क्रेडिटेड हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर बिजनेस, यहाँ पे आप छोटा सा एक और लाइन ऐसे ग्रीटिंग के लिए लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हैं। एंड देन रिगार्ड्स, हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। सेम वे आप पेमेंट के साथ साथ रिसिप्ट के साथ साथ सेल्स एंड परचेज में भी कर सकते हैं। तो मैं परचेज का भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे परचेज का मैंने ओपन किया है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, सेम एज इट इज पहले के जैसे आपका व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा और व्हाट्सएप का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब हम जो व्हाट्सएप करने वाला है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। डियर सप्लायर, योर इनवॉइस नंबर सो एंड सो हैज बीन क्रेडिटेड, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, पार्टी का नाम, ठीक है। सेम सेल्स में भी अप्लाई होगा, यहाँ पे मैं सेल्स में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेल्स मैंने ओपन किया हुआ है, 1000 का सेल्स है, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, सेम व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये तो हो गया सिंपल बात, ठीक है। जब मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड किया था उस टाइम पे किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि हमें नरेशन भी उसके साथ साथ करना है, ठीक है, व्हाट्सअप करना है कि हमें, जैसे कि इसमें तो लिमिटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर देनी है, ठीक है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को नरेशन में लिख देंगे एंड देन वो नरेशन भी इसके साथ साथ मैसेज होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कस्टमाइजेशन में आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने सबके लिए नहीं रखा हुआ है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं ये फाइल आपको दूंगा नरेशन वाली, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एस्केप कर लिया, यहाँ पे मैं टैली ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम सेल्स की ट्रांजेक्शन में आपने पहले देखा कि पहले 1000 गया था, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नरेशन लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, ए बी सी डी वॉट एवर नरेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दिया, ओके। अभी सेम नरेशन आपका वहाँ पे व्हाट्सअप होना चाहिए, ओके। तो देखिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, अगेन नरेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक करना है,
ठीक है, एंड व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नरेशन भी आएगा, ठीक है। चलो देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे आ गया कि भाई सो इन सो हैज बीन जनरेटेड, एंड देन यहाँ पे नीचे आपका वो जो नरेशन आपने डाला था वो नरेशन का भी लाइन आ जाएगा, एंड देन आएगा थैंक यू फॉर योर बिजनेस करके, रिगार्ड्स करके, ठीक है। तो आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एंड में दे दूंगा, यहाँ पे नीचे लास्ट में नरेशन आए वैसे भी दे सकता हूँ, ठीक है। नरेशन वाला फाइल में बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दूंगा, वो सिर्फ रिक्वेस्ट पे ही दूंगा, क्योंकि इसमें कोई स्विच नहीं है कि भाई नरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो फाइल पे डिपेंड है, अगर आप क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि भाई नरेशन में वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो उनको सेंड नहीं करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइल वो यूज़ करेंगे तो वो नरेशन की इन्फॉर्मेशन भी सेंड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दो अलग फाइल बना के रखी है, एक नरेशन के साथ जाएगी, एक नरेशन के बगैर जाएगी, ठीक है। तो जो भी कमेंट्स करेंगे मैं नरेशन के बगैर वाली ईमेल करने वाला हूँ। जिनको नरेशन के साथ चाहिए वो स्पेसिफिक करेंगे भी मुझे नरेशन के साथ चाहिए, तो उनको नरेशन के साथ भी मिलेगा, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही था, सिंपल है, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। सिंपली नंबर वन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। नंबर टू आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो कमेंट करना है, ठीक है। विद इन अ डे आपको ये कस्टमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हमारे बाकी बहुत सारे कस्टमाइजेशन भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। आपको जो भी फाइल अच्छी लगे उसके लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। हमने ऑलरेडी हमारा ब्लॉग भी बना के रखा है, तो जो भी हमारी जो पुरानी वीडियोस है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कमेंट पे मेल आईडी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली नीचे डाउनलोड लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो वहाँ पे छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, बहुत सारी छोटी सी कस्टमाइजेशन चीज़ है, ठीक है, जिसके लिए मैं पूरा वीडियो बनाने की मतलब नहीं है, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे या तो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।